बस थोड़ा बहुत पूरा मेहनत करते होंगे सुबह से। आज के दिन तो मार्केट लगता है ना यहाँ पे, तो कैसा लगता है जब मतलब ऐसे बिकता होगा, अच्छा खासा कस्टमर आते होंगे तो सही लगता है ना। गाइस तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने फ्रेंड के घर आ रखी हूँ, तो आज मैं यहीं रुकने वाली हूँ। तो चलिए आज पहले जाते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, उसके बाद शॉपिंग करके फिर मैं वापस रूम पे आऊँगी, तो फिर आगे मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहें, लाइक करते रहें वीडियो पसंद आए तो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं मार्केट। बाहर आ चुकी हूँ और इधर ये शादी हो रही है इधर, तो मैं तो सोच रही हूँ जाऊँ और जाके कुछ खा के चली आऊँ। खैर वैसे बाहर निकल के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, हॉस्टल से बाहर आज मैं नाइट आउट करूँगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं कैसा रहता है आज बाहर की नाइट आउट। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो उत्सव गार्डन में शादी हो रही है आज, ये बाहर में चहकते फूल महकती कलियाँ सब दिख रही हैं इधर। मैं यहाँ पे पैसे निकालने आई थी एटीएम से, बट अभी यहाँ एटीएम बंद है तो हम जा रहे हैं दूसरे बूथ पे। आज मैंने सोचा है कि आज मैं बड़े बड़े दुकान से ना शॉपिंग करके छोटे छोटे शॉप पे जाऊँगी और वहाँ के अंकल से रिव्यू लूँगी और वहीं पे शॉपिंग भी करूँगी। तो आज चलते हैं छोटे छोटे दुकान पे शॉपिंग करने के लिए। तो फाइनली गाइस मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं और अब हम चलते हैं शॉपिंग की ओर। तो चलिए चलते हैं, और काफ़ी शाम भी हो चुकी है तो हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग ख़त्म करना है, उसके बाद रूम पे जाना है। गाइस यहाँ इस भैया से हम आलू ले रहे हैं। भैया कितना बिक जाता है आपका पूरे दिन में, कितना बिक जाता है पूरे दिन में? हाँ आठ ही किलो बिकते हैं, 20 कट्टे। अच्छा यहाँ से मैंने आलू लिया है और प्याज लिया है, तो अंकल का भी कुछ बेनिफिट हो गया ना, लिया तो मैंने अंकल का भी कुछ बेनिफिट हो गया। कितना बेच लेते हो पूरे दिन में? यहाँ कुछ मतलब 100 रुपये या 500 रुपये जाते बस। पूरे दिन मेहनत करते होंगे ना आज के दिन? यहाँ मार्केट लगती है क्या अंकल? हफ्ते में एक बार। अच्छा हफ्ते में एक बार। इस अंकल के यहाँ से मटर ले रहे हैं, तो मटर लेकर के इस अंकल का भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे की ओर। गाइस मार्केट में हमें सब्जी लेनी थी, तो वो तो सब्जी तो मैंने ले लिया है और आगे चल रहे हैं, देखते हैं और आगे हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या लेना है इसे, तो देखते हैं और चलते हैं विजिट करते हैं और भी अंकल के पास। गाइस यहाँ तो मार्केट में हम लोग अभी ना आटे का वो फ्लोर का पैकेट ढूंढ रहे हैं आटे का, तो वो ना बहुत बड़े वाले मिल रही है 10 kg वाला, बट इसको 5 kg में लेना है तो वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता है। गाइस यहाँ में मार्केट में ना भूख लग गई है तो हम आए हैं यहाँ पे, आज खाएंगे भी कुछ देसी स्टाइल में। तो यहाँ पे इस अंकल के यहाँ आए हैं, ये चाउमीन और मंचूरियन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम चाउमीन ट्राई करेंगे। देखिए अंकल यहाँ पे अभी फ्राई कर रहे हैं चाउमीन और उधर मंचूरियन बन रहा है। चाउमीन बन के रेडी हो चुका है और अब हम चाउमीन पैक करवा रहे हैं। हमने चाउमीन पैक करा लिया है और अब हम रूम पे जाके खाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जैसे कि पहले बताया था मुझे आटा ढूंढना है, तो चलते हैं आटा देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद चलेंगे। फाइनली गाइस यहाँ से हमें आटा मिल गया है, और वैसे तो मतलब दुकानों में तो मिला नहीं, बट हमें जाके वहाँ से चक्की पे से लेना पड़ा जहाँ पे अंकल पीसते हैं, तो वहाँ पे गए फिर वहाँ जा कर के हमने लिया, तो अब मिल गया। और काफ़ी रात हो गई है मैं ढूंढते ढूंढते, तो चलिए चलते हैं अब आगे देखते हैं, एक दो सामान इसे और लेना है लेकर के उसके बाद रूम चलेंगे। यहाँ से हमको ब्रेड लेना है, ये वाली ब्रेड लें क्या? ये वाली अच्छी है, यहाँ पे अंकल के पास बहुत सारी वैरायटी की ब्रेड है, तो यहाँ से हम ब्रेड चॉइस करेंगे फिर लेंगे। यहाँ पे हमें ये वाली ब्रेड पसंद आई तो हम ये वाली ब्रेड लेंगे। इस अंकल के पास से हम यहाँ बिस्किट लिए हैं। अंकल कितना बिक जाता है पूरे दिन में? थोड़ा बहुत। पूरा मेहनत करते होंगे सुबह से, आज के दिन तो मार्केट लगता है ना यहाँ पे, तो कैसा लगता है
जब मतलब ऐसे बिकता होगा अच्छा खासा कस्टमर आते होंगे तो सही लगता है ना। चलिए अंकल के यहाँ से हम कुछ बिक्री करवा देते हैं, ले लेते हैं। मुझे ये बिस्किट पसंद आई है, ये मैं ले लेती हूँ। ठीक है अंकल। फाइनली गाइस, तो मैं यहाँ रूम पे पहुँच चुकी हूँ, इसके जिस फ्रेंड के रूम पे आई थी तो मैं पहुँच चुकी हूँ। और नाइट आउट आज मैं यहीं करने वाली हूँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में। तो गाइस, आप लोगों से एक बात कहनी थी कि हम लोग मतलब बड़े बड़े मॉल में तो काफ़ी सारे शॉपिंग करते हैं, हमेशा करते हैं। तो आज मेरा मन किया था कि छोटे छोटे मतलब जो बेचते रहते हैं ना ठेला पे नीचे लगा करके, उन लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जानी चाहिए। तो आज इसी मन से मैं गई थी, थोड़ा कुछ शॉपिंग भी करना था तो मैं सोची कि चलो आज वहीं पे लिया जाए। तो वहाँ गई, वो लोग भी काफ़ी खुश हुए आ करके कि हमारे यहाँ से उनकी मदद हो जाती है ना कुछ। तो आपके भी गली में मोहल्ले में ऐसे छोटे छोटे मतलब ठेला या फिर कुछ जिस पे अंकल लोग लगाते रहते हैं मतलब सब्जियाँ या फिर कुछ भी मतलब, तो आप भी प्लीज़ ज़रूर उनकी हेल्प कीजिएगा। वो बेचारे इतने ठंड में मतलब खड़े होकर के सुबह से लेकर रात तक बेचते रहते हैं, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कौन सा पार्ट या फिर कौन से अंकल सबसे अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में नए तरीके से, तब तक के लिए बाय।